हाँ जी भाई, क्या हाल चाल अंकल? और सब बढ़िया? चलो भाई, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आपका डेकोर भाई देखिए फिर से हाजिर हो चुका है आपकी सेवा में। जी हाँ, इस वीडियो को आप एंड तक देखेगा। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए गूगल प्ले स्टोर के भाई रिडीम कोड्स दिए हैं और ये किसी भी जगह आपको दिखाई देंगे और आप इन कोड्स को रिडीम करके फ्री डायमंड्स अपने फ्री फायर अकाउंट में ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कलेक्शन में जाइए, उसके बाद सैतामा इमोट पर जाओ और तुरंत चैलेंज ऑन इमोट पर फास्ट टैप करो और आप देखेंगे कि आपका कैरेक्टर का हेड गायब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है? तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। सो, पहले मैं पहुंच चुका हूं कलेक्शन में और अब सैतामा इमोट और चैलेंज इमोट पर फास्ट टैप करते हैं। अरे ये क्या, मेरे कैरेक्टर की मुंडी गायब हो गई यार, ये तो काफी फनी है। हेंस द मेथड इज कंफर्म्ड। क्लैश स्क्वाड रैंक में आप किसी भी पेट पर फायर करेंगे तो सभी पेट भाग जाएंगे, लेकिन बीस्ट एंड पेट नहीं भागेगा। एक बार ट्राई जरूर करिए। अब भाई ने देखिए ऐसी बात बोली है, तो चलिए भाई इसको करके देख लेते हैं भाई की बात में कितना दम है। तो अभी मैं लाया हूं अपने साथ वेगर पेट। चलिए पहले इस पेट पर फायर करता हूं। अभी तो फायर करने पर मेरा पेट गायब हो रहा है। चलिए एक और कोई दूसरा पेट लाते हैं और देखते हैं। तो मेरे साथ है फाल्को। चलिए अब इस पर एंगल करके फायर करते हैं। अरे ये क्या, ये भी फटाक से गायब हो गया। चलिए अब चलते अपने फाइनल बीस्ट एंड पेट के पास और देखते हैं वो गायब होता है कि नहीं। तो ये रहा बीस्ट एंड पेट। चलिए अब इस पर फायर करते हैं। अरे भाई ये क्या, हमारा बीस्ट एंड पेट भी गायब हो गया। और बाकी सारे पेट में मुझे थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पेट भी एक गोली लगने पर ही गायब हो रहा है। हेंस द मिथ इज बस्टेड। पीक के सीमेंटेड हाउस की छत के ऊपर जाओ, फिर वॉल से बिल्कुल चिपक कर गौर शेर को दीवार की तरफ रखकर स्कोप इन एंड स्कोप आउट करो और आप वॉल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा भाई, वॉल के अंदर जा सकते हैं। चलिए यहां पर मैं आ गया हूं सीमेंटेड हाउस की छत पर और अब मैं सामने दिख रही वॉल पर स्कोप इन एंड स्कोप आउट करता हूं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो मैं कौर शेर को आगे की तरफ कर रहा हूं लेकिन मुझे अभी यहां पर कुछ खास चेंज नहीं दिखा। चलो एक काम करते हैं, इस चीज को अपने दोस्तों को करने को बोलते हैं, ठीक है? और इसको अपन खुद देखते हैं कि वो वॉल के अंदर जाता है कि नहीं। अरे ये क्या, मेरा दोस्त सामने विजिबल ही नहीं हो रहा। भाई साहब वो कुछ नहीं कर रहा, बस अपने कौर शेर को आगे किया एंड स्कोप इन एंड स्कोप आउट कर रहा है और वो दीवार में चला गया। ओ भाई अब लौटा, उधर तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बैठी है? और जिस भी भाई ने ये कमेंट किया था, मैं बोलना चाहूंगा भाई मिथ कंफर्म है। और हाँ भाई, अगर आप भी चाहते हैं आपके दिए हुए जो मिथ्स हैं मैं अपनी वीडियो में लूं तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स का दरवाजा खोल दिया है, तो जल्दी से वहां पर मिथ कमेंट कर दीजिए। नाइस। नॉर्मल मैच पर मैप खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आप क्लैश स्क्वाड पर मैप खोलेंगे तो वो पहले से ही जूम हुआ आपको दिखाई देगा। प्लीज चेक माय मिथ। ऐसा क्यों भाई, पहले से ही जूम कैसे हो सकता है? पर चलो एक बार देख कर अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। अब चलो हम लोग आ चुके हैं सबसे पहले नॉर्मल मैप पर। अब चलिए मैप को खोलते हैं। अभी तक यहाँ पर जेब में मैप खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, मैप बिल्कुल नॉर्मल है। और मुझे कुछ चीजें अच्छे से देखनी है तो मुझे उसको मैनुअली जूम करना होगा। अब चलिए एक बार चलते हैं नॉर्मल मैच से क्लैश स्क्वाड के मैच पर और वहां पर जाकर देखते हैं, ठीक है, कि मैप में क्या चेंज दिखाई दे रहा है। अरे ये क्या, मेरा मैप तो पहले से ही सेंटोसा पर जूम है। अब चलो मैंने जूम हटा लिया है, अब फिर से एक बार करते हैं, ठीक है? अरे ये तो फिर से वैसे ही हो गया। मतलब कि आप जितनी बार भी ट्राई कर लीजिए बट क्लैश स्क्वाड पर आपका जो मैप है वो जूम हुआ ही दिखाई देगा। Hence, the myth is confirmed. अगला मिथ बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो पर 5000 लाइक्स पूरे करवा देते हैं तो आप में से कुछ फ्री फायर प्लेयर्स को डीजे आलोक फ्री में मिलेगा। जी हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए, लाइक के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो प्लीज डू इट। और साथ ही हमारी इस वीडियो को अपने किन्हीं 3 फ्री फायर के दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिए एंड नीचे कॉमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कॉमेंट लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले मैथ की तरफ। ट्रेनिंग में जाओ और वहां पर देख रहे लोडआउट्स वाले बॉक्स में से कैमो बॉक्स को इक्विप करो, देन किसी भी वॉल पर फिर बॉक्स से टकराकर अपने एंगल को रोटेट करो और मैजिक देखो।
चलिए भाई मैं आज का हूँ ट्रेनिंग में। अब पहले बॉक्स में से कैमो बॉक्स को लेते हैं, ठीक है। सो मैंने बॉक्स को ले लिया है, अब एंगल को चेंज करके रोटेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या, आपको कुछ दिखाई दिया? अरे अरे ध्यान से देखो। अरे भाई बॉक्स के अंदर मेरा पूरा फेस दिखाई दे रहा है। वाह भाई वाह, ये तो गजब हो गया। दिस मिथ इज कंफर्म्ड। किसी भी ऊंची जगह से नीचे कूदते वक्त कोरोनो की शील्ड को चालू करो और आपको एक बहुत ही मजेदार मैजिक दिखाई देगा। ऐसा है क्या? ओके, मैं आ चुका हूँ सबसे ऊंची जगह पर और यहाँ पर कोरोनो की शील्ड एक्टिव करके ऊपर से जंप करूंगा। चलिए करते हैं। अरे ये क्या, मेरी शील्ड तो यार ऊपर ही अटक गई। अब चलिए एक दो बार और ट्राई करके देख लेते, ठीक है। और ये छत के ऊपर से मैंने जंप लगाई। वाह यार वाह, ये तो किसी बड़े से फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर ही अटक गया और बहुत सुंदर दिख रहा है यार। और ये देखने में देखिए बड़ा मजेदार लग रहा है। जी हाँ, बहुत ही कमाल, ऐसा लग रहा है जैसे घर के टॉप पर एक फुटबॉल रखी हुई है। हेंस दिस मिथ इज कंफर्म्ड। दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं 101% वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरी जान प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्री फायर के निकम्मे दोस्तों के संग इसको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट देते रहिए। और आपका डेकोर भाई इंस्टाग्राम पर भी है, तो जल्दी से जाइए भाई, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से अपने भाई को फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में मिथ लिखना भूलिएगा मत।